चैनल और आज है हमारा विराज पेट में सेकंड डे। तो आज दिन की शुरुआत करते हैं एक एडवेंचर एक्टिविटी के साथ। तो चलिए वो एडवेंचर क्या है वहीं पर पहुंचकर आपको दिखाते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं फुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी है एंड काफी आप नेचर के करीब पाते हैं अपने आप को यहाँ पर। तो ये क्लब महिंद्रा की ब्यूटी गार्डन है और बहुत ही एडवेंचर यहाँ पर आपको करने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा एक्टिविटी फन करने को बहुत है यहाँ पर। आज हम एडवेंचर एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे कुछ, देखते हैं कितने कर पाते हैं। तो आप ब्लॉग को पूरा एंड तक वॉच कीजिए जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या किया है और जब आप यहाँ विजिट करेंगे तो आपको भी वो सब करने के लिए आसानी हो जाएगी कि ये मेरे को भी करना चाहिए। कहते हैं ना कुछ चीज़ें हम दूसरों को देखते हैं तब हमारा मन करता है। वैसे तो ऐसे लगता है अरे ये मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर सकती, मतलब तो थोड़ा सा डर रहता है। बट अगर सामने वाला कोई कर रहा है तो उसको देख करके एक इनक्रेजमेंट मिलता है। तो उसी इनक्रेजमेंट को मैं बूस्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एडवेंचर लाइफ में इस तरह के फ़न करने चाहिए जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और अच्छा भी लगता है। पहले तो डर लगता है, नो डाउट हमें भी लगता है ऐसी एक्टिविटी राइड लेने में, बट जब मैं कर लेती हूँ तब मुझे लगता है कि ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारे मन का जो डर होता है वो निकलता है। और ये कॉन्फिडेंस मुझे ना एक खतरों के खिलाड़ी शो देखती थी तब मुझे वहाँ से मैं अपने आप को काफ़ी बूस्ट कर पाई कि हाँ ये सारी एक्टिविटी करनी चाहिए, ऐसी राइड लेनी चाहिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सब लोग करते हैं, ये लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये सारी मोटिवेशन अंदर से बिल्ड होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप कुछ भी अचीव कर लेते हो ना जो आपका मन कहता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगी, अगर वो करने में आप कामयाब हो जाते हो तो आपको एक और आगे स्टेप बढ़ने के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। तो चलिए आज का डे कुछ फन एक्टिविटी से स्टार्ट करती हूँ और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप अगर आ गए ना एक बार तो मेरे ख्याल से आपको बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे जाने के लिए तो बहुत सारे यहाँ पर हैं प्लेस, बट यहाँ इस होटल में भी रिजॉर्ट में भी आकर के आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा और फुल रिलैक्स होगे क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ घिरा हुआ है और कुर्ग जैसा जो कर्नाटक का हिल स्टेशन है वहाँ पर आपको इस तरह की ब्यूटी मिलती है तो सोने में सुहागा। और चलिए अब शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। तो ये है एडवेंचर एक्टिविटी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और अब एडवेंचर एक्टिविटी के लिए हम एडवेंचर एरिया में पहुंच चुके हैं और ये सचिदा एंटर कर चुकी हैं। तो ये है एडवेंचर और साथ में गाइड भी रहेगा, आप अकेले जाएंगे हम लोग बताएंगे कैसे करना है क्या करना है। प्लस सेफ्टी मेजर्स करेंगे, हार्नेस रहेगा, हार्नेस में आपके दो ब्लेड सिस्टम रहेंगे, दो ब्लेड सिस्टम में आपके कंटिन्यूस रहेगा, एक मैनुअल रहेगा, साथ में गाइड रहेगा, हम लोग बताएंगे कैसे कैसे करना है। तो सच्चिदा रेडी हो चुकी है एडवेंचर एक्टिविटी के लिए, हार्नेस हेलमेट पहन लिया है और इसको हम लगाएंगे और उड़ेंगे। तो पहले सिक्स एक्टिविटीज है,
सो सचिदा नाउ एडवेंचर के लिए रेडी हो गई है, ऊपर चलती है। मम्मी लगा दी तो अभी जी अब एडवेंचर एक्टिविटी में रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ रियली, पहले एक खतरों के खिलाड़ी चली गई है, निकल गई है। वो जिप लाइनर वाला तो काफी डिफिकल्ट होता है, बट वो भी इजी लगा था। नहीं आ गया, आ गया। तो अभी जी हेलमेट पहना है, थोड़ा कलर आएगा ना इसलिए हार्नेस पहना रहे हैं। कैसा लग रहा है? हाँ कोई ज्यादा डेंजरस नहीं है, मजा आता है। सामने देखो सामने, और ये वॉक पहली एक्टिविटी में वॉक करके जाना है। शाबाश शाबाश, एक एक्टिविटी कंप्लीट। दूसरी एक्टिविटी, चलो आराम से आराम से। शाबाश, बस दूसरी एक्टिविटी भी हो गई। और कोई नहीं, आराम से बस। मजा आया? कैसा लग रहा है? तो अभी जी एडवेंचर राइड लेकर बड़ा हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। एडवेंचर राइड। और इसके बाद सचिदा रोडीज में जा सकती है। और अब है मेन चैलेंजिंग। ठीक है चलो गुड। How's feeling? Good. Really? Yeah.
कम ऑन एक हाथ छोड़ के दो एक तो छोड़ दो चलो कम ऑन मेरे टेंट में हिला बहुत रहे थे आप अभी जी को नहीं दे रहे हो एडवेंचर वही तो कह रहे हो कि मेरे टेंट में बहुत हिला रहे थे अभी जी को तो अच्छे से एकदम पॉजिटिव राइट दे रहे हो मेरे टेंट में मुझे डरा रहे थे आप या और क्या मैं चाहती हूँ बंदा डरे अभी हिलेगा तो अब आगे वाला है मेन चैलेंजिंग आगे वाला मेन चैलेंजिंग है वो आ जाएगा उसको मत तुम करो यस दोनों मत रखो एक साथ एक और एक एक पैर हाँ ऐसे चलो कोई नहीं अरे इजी करती रहोगी तुम यस चलिए मैम अभी देखो यस ना इजी ना मैम इजी एकदम चलिए मैम
चलो हाँ शाबाश यस ऐसे ही ऐसे ही हाँ यस चलो चलो सचिन आ रही है अपनी एडवेंचर एक्टिविटी कंप्लीट करके तो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस वेरी गुड बहुत अच्छा लगा अब लग रहा है कि रियली खतरों के खिलाड़ी वाले लोग खूब काफी एंजॉय एंड फन करते होंगे तभी वो इतनी डिफिकल्ट डिफिकल्ट राइड ले लेते हैं एडवेंचर कर लेते हैं इसका थोड़ा सा डर लग रहा था बट ये भी ठीक लगा चलो ठीक है फिर अब मैं भी करता हूं अब अभी जी का टर्न है चलो ओके आप लीजिए तो अपनी एडवेंचर एक्टिविटी खत्म हो चुकी है डर के आगे जीत है हमेशा याद रखिए लाइफ में कभी कभी ऐसी छोटी मोटी एडवेंचर सिचुएशन आए तो उसे डील करने के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है या तो बचपन में की हुई चीजें हैं जो हम बड़े होते होते थोड़ा सा हमको डर लगने लगता है उसको सब आप भगा सकते हो देखो भौरा भी आ गया आपके डर के आगे जीताने के लिए तो आई होप हम लोगों की एडवेंचर एक्टिविटी आप लोगों को पसंद आई होगी और हबी जी ने की 6 एक्टिविटी और हमने की 12 तो हम दोनों में से किसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा कमेंट करके हमें जरूर बताना और किसको जाना चाहिए खतरों के खिलाड़ी में तो चलिए अब आपके ऊपर छोड़ देती हूँ इस एडवेंचर एक्टिविटी का फन और मिलते हैं आपको नई डेस्टिनेशन के साथ तो हम लोग आए थे यहाँ पर 12:15 और 12:30 हमारी फुल एडवेंचर एक्टिविटी कंप्लीट हो गई हम दोनों की तो बहुत मजा आया तो फुल एक्टिविटी करने के बाद फुल एंजॉय करने के बाद अब यहाँ से चलते हैं यह है इधर एवोकाडो का ट्री इस पे हालांकि अभी फूल कुछ लगा नहीं है बट फूल आए हुए हैं तो फल लगेंगे कुछ दिनों बाद यस एवोकाडो यह बनाना ट्री इसमें बनाना आ चुके हैं ऑलरेडी वो देखो फल लगे हुए हैं बनाना के वो गार आई हुई उधर सामने स्टेट देखो हाँ यस ये देखिए ये हमारा लंच आ चुका है जो हमने रूम में ऑर्डर किया है यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सप्रेस करके नाम है और क्योंकि क्रॉकरी रूम में ही अवेलेबल है इसलिए वो ऐसे पैक करके ही डिलीवर करते हैं खाना तो अब सचिदा को बोलते कि इसकी अनबॉक्सिंग करें खाने की ये क्रॉकरी किचन क्रॉकरी भी है ये जैसे स्पून ये हमें फोर्क चाहिए तो हमने 2 फोर्क लिए और 3 स्पून लेती हूँ क्योंकि ठीक से डालेंगे और इसमें ये इस तरह का दिया हुआ है बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है हमें तो ज़रूरत है प्लेट्स की तो यहाँ से लेते हैं 2 प्लेट और सर्विंग प्लेट लेनी है टेबल है जिसमें हमारा बाउल कप एंड ग्लास तो 2 कटोरी हम ले लेते हैं 1 बाउल ले लेते हैं चलिए अब लंच एंजॉय करते हैं क्यों हबी जी यस तो इसमें टेप लगा देते हैं यस और इस तरह से ये पिकल के 2 लिए हुए हैं और इसमें साइड चपाती है 1 प्लेट और ले आती हूँ ठीक है और इस बॉक्स में कितने बॉक्स हैं पहले बॉक्स निकाल लो सारे 1, 2 बॉक्स हुए 3, 4, 5, 6 बॉक्स इसको हम कर देते हैं नीचे डाउन और ओपन करती हूँ इसके अंदर शायद तो ये है डेजर्ट ऑफ द डे या तो ये स्पर्श की कमी स्पर्श साथ में नहीं है मगर स्पर्श के लिए लड्डू जरूर है मेरा लाल लड्डू पसंद करता है तो इसको पैक कर देती हूँ ये तो डेजर्ट है बाद में खाऊंगी इसको ऐसे रख देती हूँ इसके बाद ओपन करती हूँ इस बॉक्स को चेक करते हैं इसके अंदर क्या है तो इसके अंदर है पनीर टिक्का तो पनीर टिक्का बाहर रखते हैं थोड़ा सा रख दूं क्योंकि सारा ओपन करना है मुझे दिखाना है अपने व्यूअर्स को कि इसमें क्या है पनीर मटर पनीर की सब्जी और यहाँ पर ये अच्छा है डिस्पोजर बॉक्सेस में खाना सर्व करते हैं ये है वेजिटेबल आलू जीरा 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 आलू जीरा आलू ये मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ ये भी इसी के अंदर डाल देती हूँ तो ये हो गए 3 बॉक्स एंड चौथे बॉक्स में है डेजर्ट और इस बॉक्स में क्या है इस बॉक्स में शायद
कुछ दाल होगा, दाल है, दाल इसमें निकालना। यस हॉट हॉट है तो ये होगी दाल। वाओ इस बॉक्स को चेक करते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। राइस, इसमें है राइस। राइस तो ऐसे ही रख दूंगी, ढक्कन बंद करके ही रख देती हूँ, बाद में निकालने की जरूरत नहीं। यस। तो ये हो गई चपाती, राइस और डेजर्ट बाद में इनका, और ये इनका, और इसमें है चपाती। तो चपाती को भी ओपन करते हैं, इसको पूरा अच्छे से पैक किया है। ओ, तो ये हो गई हमारी तंदूरी चपाती रोटी है, बट बहुत अच्छी है, एकदम पतली पतली हैं, घर जैसी तंदूरी। चलो स्वामी आपको सर्व करती हूँ। तो अपन खा रहे हैं पनीर टिक्का, सो यम्मी। अनियन हमने कॉम्बो ऑर्डर किया था, उसमें ये सारा मिला है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। लो स्वामी खाओ, लीजिए ना, आपको छोड़ के थोड़ी खा लूंगी अकेले। तो लंच हो गया, लंच के बाद हबी जी आ गए हैं डांस क्लास में और ये कर रहे हैं डांस, अपना खाना पचा रहे हैं और फिर निकलेंगे हम लोग इवनिंग में नेक्स्ट प्लेस के लिए। तो आज की एडवेंचर एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है अपन लोगों ने और अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, कम्स आउट।